सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और एयरफोर्स में वैकेंसी आ चुकी हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि उनके एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट एंड AFCAT 2018 उनकी भर्ती होनी है। इसके अलावा NCC स्पेशल एंट्री भी है और मेट्रोलॉजी एंट्री भी है। ये फॉर्म 16 जून 2018 से निकलना शुरू होंगे और लास्ट डेट होगी 15 जुलाई 2018। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप https://careerindianairforce.cedac.in और https://afcat.cedac.in पे जाके वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इसकी फुल डिटेल्स। ये जो कोर्स है ये जुलाई 2019 में शुरू होने वाला है। इसमें SSC इन फ्लाइंग ब्रांच यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच में, साथ ही परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के लिए, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की वैकेंसी हैं उनके लिए ये विज्ञापन आया है। इसके अलावा इसमें NCC स्पेशल एंट्री स्कीम, जो कि परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए है फ्लाइंग ब्रांच में, और मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए भी वैकेंसी आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं AFCAT की एंट्री, AFCAT की जो एंट्री है जो रेगुलर रिक्रूटमेंट आता है। तो फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी है 42, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट में AEL की वैकेंसी है, परमानेंट कमीशन की 22, शॉर्ट सर्विस कमीशन की है 30, AEM में परमानेंट कमीशन की है 10 और शॉर्ट सर्विस कमीशन की है 14। पर ग्रांड ड्यूटी नॉन टेक्निकल स्टाफ की अगर हम बात करें तो एडमिन की वैकेंसी है परमानेंट कमीशन की 8, SSC की 12, लॉजिस्टिक्स में परमानेंट कमीशन की 1, SSC में 4, अकाउंट्स में परमानेंट कमीशन 3, शॉर्ट सर्विस कमीशन की है 5 और एजुकेशन ब्रांच में परमानेंट कमीशन की है 3 और SSC की है 4। वहीं बात करें हम NCC स्पेशल एंट्री की, तो इसमें फ्लाइंग में 10% सीट जो कि CDSE यानी CDS एग्जाम की वैकेंसी के लिए है, उसकी 10% वैकेंसी फ्लाइंग ब्रांच के लिए इसमें रिजर्व है। वहीं मेट्रोलॉजी ब्रांच में ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी है, तो उसमें परमानेंट कमीशन की वैकेंसी है 10 और SSC की है 14। और ये जो वैकेंसी है ये इंडिकेटेड, ये टेंटेटिव है यानी संभावित है और इनमें चेंज हो सकता है। फाइनल वैकेंसी जुलाई 2019 में उपलब्ध होंगी, उसी के बेस पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ कमीशन को। तो परमानेंट कमीशन फॉर मेल, तो जो कैंडिडेट्स परमानेंट कमीशन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करेंगे उनको उनकी सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट तक उनके ब्रांच रैंक में सेवा करनी होगी। वही शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच में SSC ऑफिसर का 14 साल तक एंगेजमेंट रहेगा कमीशन की डेट से, जो कि बढ़ाया नहीं जाएगा। और वही SSC ऑफिसर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वो 10 साल के लिए रहेगा, साथ ही उसमें 4 साल का एक्सटेंशन एयरफोर्स अपने बेस पर और कैंडिडेट्स की विलिंगनेस और सुटेबिलिटी के बेस पर कर सकती है। बात करें अगर एज की, तो आपकी जो एज है फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2019 को, यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 1999 के बीच में होना चाहिए। अपर एज लिमिट, जो कैंडिडेट्स वैलिड और करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस रखते हैं जो कि DG से इशूड हो, उसके लिए एज है 26 साल अपर एज, यानी 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 1999 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के लिए 20 से 26 साल एज आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2019 को, यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 1999 के बीच में होना चाहिए, दोनों डिटेल्स में शामिल है। बात करें अगर फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसके बारे में जो फुल डिटेल्स हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, वो 15 जून 2018 से वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब देख लेते हैं ट्रेनिंग को। तो ट्रेनिंग जो होगी वो जुलाई 2019 से शुरू होगी, ये एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में शुरू होगी और इसकी जो ड्यूरेशन है वो होगी 74 वीक, टेक्निकल ब्रांचेज के लिए फ्लाइंग के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी और नॉन टेक्निकल के लिए होगी 52 वीक्स की, जो कि एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में होगी। और बात करें पे की, तो जो आपको रैंक मिलेगी वो फ्लाइंग ऑफिसर की मिलेगी, इसके लिए 56,100 से 110,700 वाले ग्रेड में आपको वैकेंसी के अकॉर्डिंग पे मिलेगी लेवल 10 में, और मिलिट्री सर्विस पे होगी आपकी 15,500। और वहीं NCC स्पेशल एंट्री के लिए और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी आपको जो पे है वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी 56,100 प्लस अलाउंस आपको मिलेंगे। और जो फ्लाइट कैंडिडेट्स हैं उनको फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान 1,500 रुपये पर मंथ, साथ ही कैंडिडेट्स को 75 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, इसके अलावा 10 लाख का एडिशनल कवर भी मिलेगा जो कि फ्लाइंग ब्रांच के ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप स्पोर्ट्स और एडवेंचर में रुचि रखते हैं तो आपके लिए स्काई डाइविंग, माइक्रोलाइट और फ्लाइंग माउंटेनियरिंग, वाटर राफ्टिंग के ऑप्शंस भी खुले हुए हैं, इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो कैंडिडेट्स अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे जो उनके लिए
सेपरेट टिप्स अवेलेबल हैं AFCAT एंट्री के लिए, NCC के लिए और MET एंट्री के लिए। और जो कैंडिडेट्स एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो प्रत्येक के लिए अलग अलग एंटर करेंगे। अब बात करें ऑनलाइन टेस्ट की, जो कि AFCAT एग्जाम के लिए होता है, फीस स्ट्रक्चर की, तो ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो AFCAT आयोजित कराया जाएगा वेरियस सेंटर्स पर। कैंडिडेट्स को AFCAT की एंट्री फीस ₹250 एग्जाम फीस के रूप में रजिस्ट्रेशन के समय पे करनी होगी। हालांकि जो कैंडिडेट्स मेट्रोलॉजी एंट्री और NCC एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई भी फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। और बात करें मैरिटल स्टेटस की, तो कैंडिडेट जो 25 साल से जिनकी उम्र कम है उनको अनमैरिड होना कोर्स के समय अनिवार्य है। जो विडो, विडोवर और डायवोर्सी कैंडिडेट्स हैं 25 साल से कम उम्र के, वो एलिजिबल नहीं है। साथ ही कैंडिडेट्स के पास अपना एक यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर होना अनिवार्य है। साथ ही जो कैंडिडेट्स पहली बार एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए शॉर्टेस्ट रूट का AC 3 tier, AC chair car या फिर एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर ही उनको TAD के रूप में आने जाने का मिलेगा, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं फिजिकल कंडीशनिंग को, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिजिकली फिट होना अनिवार्य है। आर्म फोर्स सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाने के पहले आप अपने आप को इसके लिए तैयार कर लें। उनको एक मील यानी 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी होगी 10 मिनट में। इसके अलावा 10 पुशअप्स करने होंगे, 3 चिनअप्स करने होंगे। इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपने आप को रनिंग, स्विमिंग, रोप क्लाइंबिंग और अदर फॉर्म्स की फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग के द्वारा अपने आप को फिट रखें। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।